हेलो दोस्तों दोस्तों, मैं सीए प्रभाकर गुप्ता श्योरस ऑफ टैक्स प्रोफेशनल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आप स्क्रीन को देख रहे हैं, आपको पता चल गया होगा कि आज हम इस वीडियो में किस बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सीबीडीटी ने जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग थी फाइनेंशियल ईयर 2021 असेसमेंट ईयर 2021-22, उनकी डेट्स एक्सटेंड कर दी है। दोस्तों, ये न्यूज आपके पास आज 9 सितंबर 2021 को आई है, लेकिन आपको जानकर के हैरानी होगी कि इसके बारे में हमने अपनी वीडियो जो कि 27 अगस्त को बनाई थी, हमने उसी में ही बता दिया था कि ये जो ड्यू डेट्स हैं वो फिर से एक्सटेंड होंगी। जी हाँ दोस्तों, हमने 27 अगस्त 2021 को ही अपनी वीडियो के अंदर आपको बता दिया था कि 30 सितंबर के बाद डेट्स एक्सटेंड होंगी। 30 सितंबर जो लास्ट डेट है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की, वो नहीं होगी, वो एक्सटेंड होगी। और हमारी इस बात पर मोहर लगा दी आज सीबीडीटी ने। दोस्तों, हम कोई भी बात ऐसे ही नहीं बोलते, पूरी जांच पड़ताल के साथ बताते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको देने से पहले उसकी रिसर्च करते हैं, और हाँ, हमारा कुछ एक्सपीरियंस भी इस बात को दर्शाता है। दोस्तों, चलिए अब हम आपको बताते हैं कि सीबीडीटी ने आखिर क्या डेट्स बढ़ाई हैं और क्या अब नई डेट्स आ गई हैं। तो बेसिकली यदि हम इसे पढ़ते हैं, इस प्रेस रिलीज को पढ़ते हैं, तो लिखा हुआ है कि ऑन कंसिडरेशन ऑफ डिफिकल्टीज रिपोर्टेड बाय द टैक्स पेयर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स इन फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। आप सभी को मालूम है इनकम टैक्स के पोर्टल प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, उस कारण से सभी को आईटीआर फाइल करने में दिक्कत हो रही है, इसीलिए गवर्नमेंट ने ये रिटर्न्स की डेट को एक्सटेंड किया है। दोस्तों, क्या डेट्स की हैं, क्या डेट्स एक्सटेंड की हैं, उसके बारे में अब मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला पॉइंट है द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 2021-22, यानी ये असेसमेंट ईयर 2021-22 फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए है, विच वाज जुलाई 31 जुलाई 2021। बेसिकली जिनकी ड्यू डेट्स 31 जुलाई 2021 थी, जिसे कि एक्सटेंड कर दिया गया था 30 सितंबर 2021 को वाइड सर्कुलर नंबर 9/2021 डेटेड 20/5/2021, जो कि बेसिकली क्या है, जो इंडिविजुअल्स होते हैं जिनकी ड्यू डेट्स जो 31 जुलाई 2021 नॉर्मली रहती है, उसको 20 मई 2021 को बढ़ा करके 30 सितंबर कर दिया गया था, जिसको कि फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है 31 दिसंबर 2021 तक, यानी 31 दिसंबर 2021 तक। सेकेंड है आपकी द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिपोर्ट ऑफ ऑडिट अंडर एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट फॉर द प्रीवियस ईयर 2021 विच इज 30 सितंबर 2021 एज एक्सटेंडेड टू 31 अक्टूबर 2021 वाइड सर्कुलर नंबर 9/2021 डेटेड 20 मई 2021 इज हेयर बाई फर्दर एक्सटेंडेड टू 15 जनवरी 2022। यानी कि जो भी एसएससी जिनको अपनी बुक्स को ऑडिट कराना होता है अंडर एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट, कि उन्हें कोई सी भी तरह का यदि उन्हें अपना ऑडिट कराना होता था जिसकी की ड्यू डेट 30 सितंबर रहती थी, उसकी ड्यू डेट पहले इन्होंने बढ़ा करके 31 अक्टूबर की थी, जिसको कि अब फर्दर बढ़ा करके 15 जनवरी 2022 कर दिया गया है। यानी कि हम बात कर सकते हैं कि जो कंपनीज होती हैं, जो प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं, उस केस में पहले उनको 30 सितंबर तक रिटर्न फाइल करनी थी, जो कि बढ़ा करके 31 अक्टूबर की गई, अब इसको फर्दर बढ़ा के अब आप इसको 15 जनवरी 2022 तक फाइल कर सकते हैं। इसी प्रकार थर्ड पॉइंट है द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिपोर्ट फ्रॉम एन अकाउंटेंट बाय पर्सन एंटरिंग इनटू इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन अंडर सेक्शन 92E ऑफ द एक्ट फॉर द प्रीवियस ईयर 2021 व्हिच इज 31 अक्टूबर 2021 एज एक्सटेंडेड टू 30 नवंबर 2021 वाइड सर्कुलर नंबर सो एंड सो इज हेयर बाय फर्दर एक्सटेंडेड टू 31 जनवरी 2022। यानी कि अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हैं, आपकी कंपनी के अंदर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होती हैं, और जहां पर कि आपको सेक्शन 92E के अंतर्गत चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक रिपोर्ट फाइल करानी होती है, उसकी जो नॉर्मली ड्यू डेट रहती थी वो थी 31 अक्टूबर,
जिसको कि पहले बढ़ाया गया था 30 नवंबर तक, अब उसको बढ़ाकर 31 जनवरी 2022 कर दिया गया। यानी कि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के केस में आप अगर रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको 31 जनवरी 2022 तक का टाइम मिल जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स फॉर असेसमेंट ईयर 2021 व्हिच इज 31st अक्टूबर 2021 एज एक्सटेंडेड टू 30th नवंबर 2021 बाय सर्कुलर नंबर सो एंड सो इज हियर बाय फर्दर एक्सटेंडेड टू 15th फेब 2022। यानी कि जहां पर कि आपको अपनी रिटर्न जो फाइल करने की ड्यू डेट जो नॉर्मली 31 अक्टूबर रहती थी, यानी टैक्स ऑडिट के केस में जो ड्यू डेट आपकी 31 अक्टूबर रहती थी, जिसको कि उन्होंने पहले बढ़ा के 30 नवंबर किया था, अब उसे बढ़ा के 15 फरवरी 2022 कर दिया गया है। और इसी प्रकार से द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 व्हिच इज 30th नवंबर 21 एज एक्सटेंडेड टू 31st दिसंबर 21 नाउ एक्सटेंडेड टू 28th फेब 2022। यानी कि जिनको कि अपनी रिटर्न्स 30 नवंबर 2021 तक एज पर इनकम टैक्स एक्ट नॉर्मल केस में फाइल करनी होती थी, उन्होंने पहले उसकी डेट 31 दिसंबर की थी, अब उसे बढ़ा के 28 फरवरी 2022 कर दिया है। इसी प्रकार से द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ वैलिड और रिवाइज रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 व्हिच इज 31st दिसंबर 21 एज एक्सटेंडेड टू 31st जनवरी 2022 बाय सर्कुलर नंबर सो एंड सो इज हियर बाय फर्दर एक्सटेंडेड टू 31st मार्च 2022। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो हमने रिटर्न्स की आपको डेट बताई कि भाई नॉर्मली 31 दिसंबर है या 15 जनवरी या 31 जनवरी 15 फरवरी 28 फरवरी जो भी ऊपर डेट्स बताई गई हैं, ये तो ओरिजिनल रिटर्न्स की डेट है। लेकिन यदि आप अपने रिटर्न को रिवाइज करना चाहते हो या आप लेट रिटर्न फाइल करते हो जिसे वैलिडेटेड रिटर्न बोलते हैं, तो पहले उसकी जो डेट थी वो 31 दिसंबर थी जिसको कि बढ़ाया गया था 31 जनवरी तक के लिए, अब वो 31 मार्च हो गई। यानी कि आप अपने इनकम टैक्स की रिटर्न अगर आपने फाइल कर दी और आप उसे रिवाइज करना चाहते हो तो आप 31 मार्च 2022 तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज कर सकते हो। और यदि आपने अपनी जो रिटर्न है इस पर्टिकुलर ड्यू डेट तक नहीं भरी तो अभी आप लेट फाइलिंग की फीस के साथ आप 31 मार्च 2022 तक अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक सर्कुलर इशू हुआ है, प्रेस रिलीज इशू हुई है जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को देखते रहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इन सभी के बारे में हमने 27 अगस्त को ही बता दिया था कि ड्यू डेट्स बढ़ेंगी, और देखिए आपके सामने ड्यू डेट्स बढ़ गई हैं। दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।